हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय क्लास। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्लास टेंथ का, जो कि है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 7th में आई थिंक पढ़ा होगा कि एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है? याद तो किसी को नहीं होगा, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड देखेंगे, देन बेस, देन साल्ट। तो एसिड जो है ये कहाँ से डराइव हुआ था? एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से जो है निकला है। कहाँ से निकला है वर्ड? ये एसिडस से। और इसका मीन्स क्या होता है? सोर टू टेस्ट, मतलब अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये आपको कैसा फील कराएगा? खट्टा, ठीक है? कोई भी चीज़ आप खाते हैं जिसको खाने के बाद आपको खट्टा फील होता है, सोर फील होता है, तो उसका मतलब उस चीज़ में क्या पाया जा रहा है? एसिड पाया जा रहा है। आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं डेली लाइफ में आप देखते हैं जिन जिनमें एसिड होता है? सबसे पहली चीज़ तो है टोमेटो, तो सब लोग खाते होंगे, ठीक है? टोमेटो में क्या होता है? एसिड होता है। लेमन में होता है, ठीक है? और दही खाते हैं सब लोग, कर्ड में, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक है आपका सिरका, खाते हैं सब लोग, ठीक है? सिरका मतलब क्या हो गया? विनेगर, ठीक है? विनेगर में भी एसिड होता है। और जो हम लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ यूज़ होती हैं, जिन क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे हार्पिक यूज़ होता है, ठीक है? और क्लीनिंग एजेंट जो भी हैं टॉयलेट वगैरह या और किसी चीज़ के लिए, उनमें सब में भी क्या होता है? एसिड पाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो एसिड की हो गई। एसिड कैसा होता है? सोर टू टेस्ट। अब जो एसिड का जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है? बेस, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले एसिड देखते हैं। ऐसे कौन कौन से एसिड हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है? चलिए हम चार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लिखिए एसिटिक एसिड। फर्स्ट वन इज, आप चार्ट बना सकते हैं, एक साइड क्या लिख लीजिए? एसिड लिख लीजिए और दूसरी साइड लिख लीजिए सोर्स, कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, ठीक है? फर्स्ट में लिखिए सबसे पहला पॉइंट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में, ठीक है? और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। चलिए फॉर्मूला बाद में बताएंगे जब यूज होगा। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट जो हो जाएगा वो साइट्रिक एसिड, ठीक है? साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? साइट्रस फूड जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इनमें सब में क्या पाया जाता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसमें ऑरेंज, लेमन, इनमें सब में क्या होता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है? जो आंट एंड बीज होती हैं, देखते हैं कि जब आपको कभी भी कोई चींटी काटती है तो आप देखेंगे उस जगह पे स्वेल हो जाता है, ठीक है? तो जो उनके वो आंट है या जो बीज होती हैं, उनकी स्टिंग में जो है एक एसिड पाया जाता है, वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। तो वो जब हमारी बॉडी में आता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, ठीक है? ये हो गए 3 पॉइंट्स, इन्हें आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं लैक्टिक एसिड। ये तो सबको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, खट्टा दूध जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये चार लिख लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है 5th वन, मैलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मैलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है या एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इसका सोर्स क्या है? एप्पल। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड
ये कहाँ पाया जाता है? ग्रेप्स में। देखिए एसिड तो सारे हैं बट अलग अलग नेमिंग के, अलग अलग वेराइटी के, वो अलग अलग चीजों में पर्टिकुलर पाए जाते हैं। 7th नंबर पे हम देखेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिन, ठीक है, ग्रेप्स, एप्पल, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। नाइन्थ वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। आपने देखा होगा जब आपको खट्टी डकार आती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसमें गैस, मतलब जब आपकी बॉडी में गैस बनती है तो उस टाइम कौन सा एसिड हमारी बॉडी में बन रहा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? ये भी स्टिंग ऑफ एंट्स में पाया जाता है। ठीक है, इतने जो हैं ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए, ये आपके यूज के हैं, इन इस चार्ट को आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एसिड होता क्या है एक्चुअल में, उसको केमिस्ट्री में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग लिखिए एसिड। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन जो है बहुत सारे लोगों ने दी थी। सबसे पहली डेफिनेशन जो बताई गई थी वो आरहेनियस ने दी थी। किसने दिया था? आरहेनियस। ठीक, आप इसमें चाहें तो ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और इसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दी थी, लेविस ने दी थी, बहुत सारे लोगों ने दी थी। जो मेन आपको पढ़नी है वो आरहेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने क्या बताया था आरहेनियस ने? इन्होंने कहा था कि जो एसिड है वो सब्सटेंस है जो किसी भी, जब इसको मतलब एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। तो कहने का सेंस ये है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देता है। जस्ट इसके बाद क्या बात करेंगे हम बेस की, तो बेस में क्या होगा? एक सिंपल सी चीज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है वाटर। तो वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये दो चीजों में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है? एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में। ठीक है, एच प्लस इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन किसमें होता है? अभी मैंने बताया एसिड में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल आयन किसमें प्रेजेंट होता है? बेस में प्रेजेंट होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट वाटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बना है? वाटर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिड जो है वो एच प्लस आयन जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तब देता है, और जब बेस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देता है? ओ एच माइनस आयन देता है। ठीक है, आप इस तरीके से डेफिनेशन लर्न करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन लिखने के साथ हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? H प्लस आयन। ठीक है, या आप एक काम करिए, इसको पहले हाइड्रोजन के पास लिख लीजिए H प्लस और उसके बाद लिख दीजिए आयन। और हाइड्रोजन आयन भी होता है, कभी कभी आपको हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेगा। हाइड्रोनियम, अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम का सिंबल क्या है?
H3O+, ठीक है, आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर। चलिए आगे एग्जांपल से समझते हैं इसे किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, एक हम एसिड लेते हैं, जो अभी अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, ठीक है। जब ये वाटर के में डिसॉल्व किया जाएगा, यानी ये क्या हो गया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अभी मैंने आपसे क्या बताया था, H+ देगा, ये तो कहा था एसिड है तो इसका मतलब वो क्या देगा, H+ देगा। तो बाकी क्या बचा, Cl-। कोई भी जो है मॉलिक्यूल वो क्या होगा, या कोई भी जो एटम है वो दो आयन से मिलके बना होता है, ठीक है। कौन कौन से आयन से मिलके बना होता है, एक प्लस और एक माइनस, तभी ओवरऑल जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखिए, एच प्लस पे, एच पर एक प्लस है, तो सी एल पे भी एक प्लस एक माइनस होगा, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करना है, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज़ सिंपल, अगर एच सी एल को हम ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में। अभी एक चीज़ देखिएगा, जो ऊपर लिखी वही हमने लिख दिया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। HCl है, किसमें ब्रेक हो गया, H प्लस और Cl माइनस। ये बहुत देर तक नहीं रुकता है, इसलिए कौन सा यहाँ पे साइन लगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये तुरंत कंबाइन होकर HCl भी बना लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस दिखाते हैं तो H प्लस तो निकलता है, ये वाला H प्लस तो यहाँ पे निकलेगा, मगर ये H प्लस इस वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हो गया। अच्छा, कैसे बना, जरा ये देखिए, ये H2O है, ऊपर देखिए H2O है, उसमें से यहाँ से क्या ब्रेक होके निकला था, H+ निकला था। H2O और H+ को जब जोड़ेंगे हम, ठीक है, ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा, H2 थे यहाँ पे, एक H हो गया, तो टोटल H कितने हो गए, 3, एक O बचा, और साइन ऊपर कौन सा है, प्लस का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, सिर्फ प्रेजेंस इसलिए दिखाया, नहीं दिखाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं HBr ले लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब अगर इस, ये भी एसिड है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, अभी आप इसके अकॉर्डिंग आपके देखिए दिमाग में तुरंत आएगा H+ और Br-, ठीक है। तो Br- तो हमने निकाल दिया, लेकिन H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, और उसका सिंबल क्या होता है, H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्रेक होता है तो ऐसे टूटता है, H प्लस और SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, 2H प्लस, क्योंकि देखो 2 प्लस होंगे, 2 माइनस, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसका तरीका ये होता है। तो अब जब यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लिए, तो हम वाटर भी यहाँ पे कितना ले लेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 ले लेंगे। अब देखिए क्या होगा, SO4 माइनस माइनस तो हमने लिख दिया साइड में, अब फिर से वही काम, बनेगा तो हाइड्रोनियम आयन ही, तो H3O+ हमने बना दिया, बट देखिए जब 2H+ थे तो 2 थे, तो हाइड्रोनियम आयन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने यहाँ पे 3 होता तो हम लोग क्या करते, 3 वाटर लेकर के बैलेंस करते थे और 3 हाइड्रोनियम आयन को निकाल देते। तो ये आपका सिंपली क्या हो गया, एसिड। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एसिड वो सब्सटेंस है जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को क्या करता है, निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेस। अब बेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बेस इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन को हमने क्या बताया था आपको, OH- बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब ये हुआ कि जब हम बेस को
वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बेस क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करता है, निकालता है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ये आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताएं, NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, अब वाटर में डिजोल्व करना है तो वाटर ही तो लिखेंगे प्लस में। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेजेंस दिखानी होती है, आपको शो नहीं करना होता है। जब प्रेजेंस दिखाएंगे तो नॉर्मल इसको ब्रेक कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो ये OH माइनस को निकाल दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब ले लेते हैं जिसमें वैलेंसी 2 हो जाए, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से टूटेगा, 2 है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2OH माइनस निकल जाएगा, 2OH है 2OH माइनस निकल गया। और CA की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca2+, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए बेस के। अब हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन हम बेस की बात करेंगे, उसके बाद साल्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज आप लिख लीजिए स्टार बना के, आपके काम आएगी, इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिखिएगा, वॉटर एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। अभी आपने देखा था, एक एग्जांपल भी तुरंत लिख लीजिएगा, वाटर जो है जो ब्रेक होता है जब, तो H प्लस भी देता है, OH माइनस भी देता है, यानी ये एसिड वाला भी काम कर रहा है और ये बेस वाला भी काम कर रहा है, ठीक। तो कोई भी ऐसी चीजें जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल आप ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर एसिड बेस दोनों का काम कर रही है तो वो एम्फोटेरिक आ जाएगा, एम्फोटेरिक में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कैसे आप देख करके बताएंगे कि वो एसिड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के बताई थी कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर। एसिड आर सोर टू टेस्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसिड्स सच एज HCl, H2SO4, HNO3, नाम अगर आपको पता होगा तो याद आ गया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, आर हाईली कोरोसिव। अगर इस टाइप के एसिड होंगे कोई, तो अगर आप जैसे हाथ में लेंगे, या पहली बात आप हाथ में मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत कोरोसिव होते हैं, मतलब ये जलन बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी एसिड अगर ऐसे आपके हाथ पे या कहीं भी आते हैं तो आप ये कोरोसिव नेचर देख करके बता देंगे कि ये एसिड है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एसिड जो होते हैं वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। एसिड कैन प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, ऐसा नहीं सिर्फ लिक्विड में ये एसिड होंगे, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। और सबसे फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, फोर्थ पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्वस सॉल्यूशन जो होता है, अक्वस मतलब जब वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, अक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मतलब पास हो सकती है, अगर अक्वस सॉल्यूशन है एसिड का तो, ठीक है। कोई भी एसिड हो उसको वाटर में मिला लें, उसका अक्वस सॉल्यूशन बना लें, और अगर उसमें से हम करंट पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम कुछ एसिड्स को देखते हैं
जो सॉलिड में है और कुछ एसिड्स को देखते हैं जो लिक्विड में है। आपको ये भी बता दिया, आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसा एसिड बताइए जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से एसिड ऐसे हैं जो सॉलिड में है और कौन कौन से हैं ऐसे जो लिक्विड है। ऐसे डिवाइड कर लीजिए, एक साइड लिख लीजिए सॉलिड और एक साइड क्या लिखेंगे, लिक्विड। आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सॉलिड, दूसरी साइड लिखेंगे लिक्विड। तो इसमें सॉलिड में कौन सा सबसे पहला एसिड है, बोरिक एसिड। ठीक है, अभी आपने पहली बार नाम सुना होगा बट आप इन्हें लर्न करेंगे, H3BO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक और है जो कि है फॉस्फोरिक एसिड। सॉलिड में थोड़ा कम पाया जाता है, एसिड लिक्विड स्टेट में बहुत सारे हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, जिसको हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोरिक, ये तीन ऐसे एसिड हैं जो कि सॉलिड स्टेट के। अब लिक्विड में बहुत सारे पड़े हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो सारे किस चीज़ में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इसमें पहला आप लिखिए, सबसे पहला जो आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड, नेक्स्ट फॉर्मूला HCl लिख दे रहा है। सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड वाला नाइट्रिक एसिड, बहुत हैं कुछ आपको बताए दे रहे हैं, H3HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। और एक देख लेते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ये भी क्या है, इसका फॉर्मूला है H2SO3। तो मेन आपको ये याद कर लीजिए कि सॉलिड स्टेट के कौन कौन से हैं, लिक्विड वाले आपको ज़्यादातर सब लिक्विड ही होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको हम बता दें फॉर्मूला लिखने से पहले कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था HNO3, ठीक है, तो इसमें हम जैसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, H लिख दिया, फिर N हमने ऐसे छोटा सा बना दिया, ओ ऐसे बना दिया, थ्री ऐसे बना, नहीं, हाइड्रोजन, इसको क्या बोले, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O और 3। तो इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक आपको हम और बताते हैं, कोई इसमें से दिख जाए, जैसे HCl था तो देखिए बराबर बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब Cl में आपको ये पता है कि क्लोरीन का सिंबल मतलब कैपिटल C होता है, स्मॉल L होता है, ये Cl की रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब लिखना स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन लिख दिया और C और L लिख दिया, आप ऐसा लिखेंगे तो इसे काट दिया जाएगा, क्योंकि ये HCl की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। HCl की रिप्रेजेंटेशन क्या है,